आज हम लोग BHU ME इंग्लिश के 2024 PG अनऑफिशियल कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ध्यान देना कि पूरी एक सीरीज आ रही है जिसमें लगातार हम लोग वीडियोस कवर कर रहे हैं। आज आपके उस नंबर ऑफ मार्क्स को जानेंगे जहां पे आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज या सिक्योरिटी लगभग 90% से ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, ये अनऑफिशियल है लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो लास्ट ईयर यानी ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पे ही है। और ये हम लोग डीएमसी का डिस्कस कर रहे हैं। ये जितने भी मार्क्स बताऊंगा डीएमसी यानी जो BHU का बड़ा सा गेट दिखता है उसके अंदर जो कोर्सेज है ना उसका मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी एफिलेटेड कॉलेजेस भी होते हैं लड़कियों के लिए, इसमें 5-6 नंबर 20 नंबर घटा के भी एडमिशन आराम से हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो जनरल का मैंने डिस्कस किया है ये आउट ऑफ 300 मार्क्स में है, ध्यान देना ठीक है। ये 300 नंबर में हम लोगों ने दिया हुआ है। यहाँ पे जनरल का लगभग 200 में डीएमसी आराम से मिलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और इससे कम करके भी यानी 10 नंबर कम करके अगर मैं यहाँ पे पेड कर दूं, ठीक है, पेड का भी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं रेगुलर सीट का डिस्कस कर लेता हूँ। ओबीसी के लिए लगभग 190-300 में, EWS के लिए 195, SC के लिए 180 और ST के लिए 150, कुछ इस तरीके के मार्क्स लाने पे आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी इस पे आप जाके मिठाई खा सकते हो क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बहुत बढ़ा के बनाया हुआ है। होता क्या है कि इंग्लिश में बच्चे मार्क्स जनरली अच्छा ले आते हैं और BHU ने यदि DU के पहले अपना पोर्टल ओपन किया तब ये कट ऑफ इतना जाएगा। अगर DU पहले खोल देता है अपना पोर्टल आई एम श्योर कि ये कट ऑफ और भी डाउन हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे DU चले जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी के कट ऑफ पोर्टल ओपन पे भी डिपेंड करता है। लास्ट ईयर इसमें बहुत ज्यादा लोचा हुआ था, बच्चे इधर उधर बहुत भटके थे। अब हम लोग थोड़ा सा पेड सीट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं हर जगह पेड लगा दूं, हर सीट में हर कैटेगरी में पेड लगा दूं तो ये जो नंबर है ये 10 नंबर और घट जाएगा। और इसी में अगर मैं एफिलेटेड बता दूं, अगर मैं बोलूं कि नहीं इसका एफिलेटेड भी हम लोग जानते हैं तो भाई एफिलेटेड के लिए कम से कम इसमें -20 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे भी -20 कर लेना, ये एफिलेटेड की यहाँ पे सीट पूरी हो जाएगी। लेकिन एफिलेटेड में मैक्सिमम किसको चांस मिलेगा, लड़कियों को मिलेगा भाई, गर्ल्स को मिलेगा। बाकी डीएमसी में लड़का हो चाहे लड़की अगर इतना नंबर अगर आता है तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट ध्यान देना कि ये अभी कट ऑफ जब मैं DU का डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा कि ये कब अप हो सकता है कब डाउन हो सकता है। सो प्लीज मेरा जो कमिंग वीडियोस DU वाला होगा वो आप जरूर देखना। और ये पूरी सीरीज में फॉलो कर रहा हूं तो इस पूरी सीरीज के लिए आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, हो सकता है उनका कोई कोर्स जो है जिसपे मैं वीडियो बनाऊं उससे रिलेटेड हो तो उनको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मुस्कुराते रहें, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है वहां पे आप पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मुस्कुराते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।